आओ आओ अल्लाह के रसूल के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के गुलामों, मैं आपको बताता चलूं, फुला बंदे को मैं कहने वाला हूं कि वो जाके खोते को ज़िबह करके ले आ, और जितने लोग मेरे सामने सुन रहे हैं, मेरी तकरीर को सुन रहे हैं, सबको, इन सबको खोता खिलाते जाएं और पूछते जाएं कि आप किसकी तकरीर सुन रहे हैं। आगे से आवाम क्या कहेगी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह मुफ्ती साहब वाह, आपने तो कमाल कर दिया, आप जैसा कोई इस दुनिया पे है ही नहीं। खुदा का खौफ करो, अल्लाह का वास्ता है, दिन में तीन टाइम खाना खाते हो, दो दो रोटियां, तीन तीन रोटियां खा जाते हो, पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हो, कम अज कम इतनी अकल तो इस्तेमाल करें कि आपको क्या सिखा क्या रहे हैं वो, बुरे को बुरा तो कहें, अच्छे को अच्छा कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम उस नबी का जिसने हमें इस दुनिया में आकर, जिसके सदक़े से अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये सारी नेमतें जो हैं वो अता की हैं। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ उन दो शख्सियात के बारे में जिनका बड़े दिनों से जो है ये बात फैली हुई है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कोई किसी को चैलेंज कर रहा है, कोई किसी को चैलेंज कर रहा है। असल में मैं कोशिश ये कर रहा था कि इसके ऊपर वीडियो ना बनाई जाए, लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो मैंने कहा आज वीडियो इसके ऊपर बना ही दें। तो उसमें यह है, पहली वीडियो, पहली बात मैं करूँगा अब्दुल हबीब चिश्ती साहब के हवाले से, उसके बाद अल्लामा फजल अहमद चिश्ती साहब, क्योंकि ये इन दोनों की आपस में जो है वो बात चल रही है। फजल अहमद चिश्ती साहब ने चैलेंज किया अब्दुल हमीद चिश्ती साहब को, अब्दुल हमीद चिश्ती साहब ने चैलेंज किया है फजल अहमद चिश्ती साहब को। दोनों सुन्नी उलमा है, कौन है, दोनों सुन्नी उलमा में से हैं, और दोनों क्या हैं, दीन की तबलीग करने वाले में से हैं, दोनों के मानने वाले हैं। अब्दुल हमीद चिश्ती साहब को भी लोग मानते हैं, फजल अहमद चिश्ती साहब को भी लोग मानते हैं, सुनते हैं, और इन्होंने अब किया हुआ क्या है, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। यार मैं किसी का हिमायती नहीं हूँ, ना ही अब्दुल हमीद चिश्ती साहब का, ना ही फजल अहमद चिश्ती साहब का, ये जो भी कर रहे हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई मेरी बात से एग्री है या नहीं है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, बात जो है वो सच्ची करनी चाहिए और डंके की चोट पर करनी चाहिए। कोई नाराज़ होता है होने दे, कोई मानता है माने, नहीं मानता ना माने। देखें बात यह है कि उलमा को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, अवाम में आकर एक दूसरे की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए, एक दूसरे की पगड़ियां नहीं उछालनी चाहिए, एक दूसरे की माँ बहन को गाली नहीं देनी चाहिए, अवाम में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अवाम में जिस चीज़ के लिए उलमा को जो मर्तबा दिया है रब ने, उलमा को जो मकाम दिया है, उलमा सिर्फ वही काम करें ना कि दूसरों को आपस में लड़ाएं। हमारी आवाम ऐसी है, हमारी पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं ना, ये अंधाधुंध जो है वो लोगों पे यकीन, जिसको मानते हैं ना उसको ऐसे मानते हैं, चाहे वो गलत कहता रहे सही कहता रहे, उसके पीछे ऐसे तकलीद करते हैं, कहते हैं कुछ भी हो जाए हम आपके पीछे ही हैं, आप जो भी कहते रहें वो सुभान अल्लाह कहते हैं। जिसको ये मानते हैं, फजल अहमद चिश्ती साहब को मानने वाले हैं, अब फजल अहमद चिश्ती साहब स्टेज के ऊपर बैठ के कुछ भी कहता रहे, गलत कहे या सच कहे, वो तो ठीक बात है, गलत कहे। एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो कहे तरन्नुम में, अच्छा फजल अहमद चिश्ती साहब के अलावा कोई भी है, कोई भी आलिम है, मैं उलमाए हक़ की बात नहीं कर रहा, ये जो लोग आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं और मनाजरे की चैलेंज एक दूसरे को कर रहे हैं कि फलां जगह पे आ जाएं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोगों में इंतशार फैला रहे हैं उनके बारे में, कि फजल अहमद चिश्ती साहब के अलावा कोई भी आलिम है, अगर आवाम को, मैं ये आवाम की बात अभी कर रहा हूँ कि आवाम क्या करती है, आवाम को तरन्नुम में स्टेज के ऊपर बैठ के कह देना, आवाम उनकी तकरीर सुनती है बड़े शौक से, वो कह दें
आओ आओ अल्लाह के रसूल के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के गुलामों में आपको बताता चलूं, फुला बंदे को मैं कहने वाला हूं कि वो जाके खोते को ज़िबा करके ले आ, और जितने लोग मेरे सामने सुन रहे हैं, मेरी तकरीर को सुन रहे हैं, सबको इन सबको खोता खिलाते जाएं और पूछते जाएं कि आप किसकी तकरीर सुन रहे हैं। आगे से आवाम क्या कहेगी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह मुफ्ती साहब वाह, आपने तो कमाल कर दिया, आप जैसा कोई इस दुनिया पे है ही नहीं। खुदा का खौफ करो, अल्लाह का वास्ता है। दिन में तीन टाइम खाना खाते हो, दो दो रोटियां, तीन तीन रोटियां खा जाते हो, पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हो, कम अज कम इतनी अकल तो इस्तेमाल करें कि आपको क्या सिखा क्या रहे हैं। वो बुरे को बुरा तो कहें, अच्छे को अच्छा कहें। जो मौलवी आप लोग को आपस में लड़ा रहा है, आप लोग को लग रहा है कि ये आपस में दीन को इस्तेमाल करके अपनी दुकान चमका रहे हैं, कम से कम उनके पीछे तो ना जाएं, ये इंतशार का हिस्सा तो ना बने। फिर होता क्या है, ये आपस में बड़े जो हैं चैलेंज करते हैं मनाजरे का, इनके मानने वाले आपस में लड़ पड़ते हैं। एक घर में दो लोग हैं, वो एक दूसरे को चाहता है, एक किसी और को चाहता है, आपस में वो लड़ पड़ते हैं, घर में तो इंतशार पैदा हो गया। दीन का काम करें सही तरीके से, ये जितने इंतशार फैला रहे हैं, सही तरीके से दीन का काम करें। जिस तरीके से यार देखें, मिस भाई साहब भी तो कर रहे हैं ना दीन का काम, किस तरीके से दोनों को लोगों को नसीहत दे रहे हैं, लोगों को किस तरीके से दीन के हवाले से आगाही दे रहे हैं। उनके अलावा साकिब रजा मुस्तफाई साहब भी तो कर रहे हैं, अजमल रजा कादरी साहब भी तो कर रहे हैं, इनके अलावा और बड़े बड़े नाम हैं जो कर रहे हैं तकरीरें, लोगों में दीन फैला रहे हैं। ये चंद नाम हैं, जिस तरीके से फजल अहमद चिश्ती साहब हो गया, अब्दुल हमीद चिश्ती साहब, जिनके पास इतना जो है, ये सोचते हैं कि हम पता नहीं इस दुनिया में क्या है, आज मर जाए इनके पास, इनके पास क्या होगा, यही सर्टिफिकेट होगा कि लोगों को लड़ा के गए थे दुनिया में। अब दोनों की मैं आपको तकरीर सुनाने वाला हूं, दोनों की तकरीर सुनिएगा, पहले अब्दुल हमीद चिश्ती साहब की सुने, फिर उसके बाद जो है वो फजल अहमद चिश्ती साहब की सुने, ये दोनों क्लिप सुनिएगा। दिसंबर बाद नमाज़े मगरिब चैलेंज की कबूलियत को मैं रिकॉर्ड करा रहा हूं, और ये मैं ऐलान चला रहा हूं कि अब्दुल हमीद खानेवाली इसको जरूर सुने और इसका मुझे जवाब दे। जितने भी इंतशार फैलाने वाले हैं ना, चाहे फजल अहमद चिश्ती साहब हैं या अब्दुल हमीद चिश्ती साहब हैं, सिर्फ मनाजरे के चैलेंज तक या लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, मेरे ख्याल में इन सब को ये जो लब्बैक वालों ने साद रिजी साहब ने इफ्तिताह किया ना, लब्बैक हस्पताल ट्रस्ट का, लब्बैक ट्रस्ट हस्पताल, इनका इस हस्पताल के अंदर सबको बंद करके पूछा जाए, कम से कम दो तीन महीने रखा जाए, इनका इलाज किया जाए, और फिर कहा जाए कि बताएं आप बाहर जाके इंतशार फैलाएंगे या दीन का काम करेंगे। ये कहें कि हम दीन का काम करेंगे आज के बाद, तो फिर उनको छोड़ा जाए, वरना उसी के अंदर जो है हस्पताल के अंदर बंद कर दिया जाए। मेरी तो यही सोच है, आप लोग की क्या सोच है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।